गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप अच्छे होगे। भाई मैं भी बढ़िया हूँ। तो भाई आज मौसम ठीक ठाक है, इतनी गर्मी इतनी वो नहीं है। और भाई मेरे को हो गया पिंपल, मच्छर काटा है शायद भाई मेरे को जितना लग रहा है फेस पे। तो अभी भाई करते अभी नारो के आ गए हैं, अब अपना देखते कुछ काम। भाई पहले मैंने झाड़ू लगा दिए पूरे घर में, और झाड़ू लगाने के बाद अभी जो चाहूँगी मैं बर्तन। भाई भाई हमारा पुराना काम किचन सेम वर्क, और अभी बर्तन लगा देते हैं फिर इकट्ठे करके बर्तन साफ़ कर दूँगी। वैसे मैं रात को करके सोती हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं रात को बर्तन इकट्ठे नहीं करती, जैसे सुबह सुबह चाय वगैरह की हो जाती है ना, तो इसलिए पहले पी लेती हूँ भाई एक गिलास पानी सुबह सुबह खाली पेट। मेरे को तो पानी ही पीना पसंद है गर्मी में, तो खासकर ठंडा ठंडा। तो अभी पीते हैं पानी। भाई गुनगुना तो मेरे से इतना ज़्यादा पिया नहीं जाता, पर पीती हूँ मेरा तो अभी कुछ नहीं होता, इसलिए मैंने पीना ही छोड़ दिया। तो भाई अब दोबारा से स्टार्ट करेंगे पीना, क्योंकि अच्छा ही होता है गर्म पानी बताते हैं। तो अब भाई सुबह सुबह पहले कर लेते हैं फटाफट से पानी पी लेते हुए, मेरे को तो प्यास लगी हुई है बहुत तेज़। और उसके बाद ही देखते क्या सब्जी बनाएंगे, क्या रोटी बनाएंगे या कुछ और बनाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, तब तक बाय। पता नहीं क्या हो रखा है, आपको भी गर्मी लगती है ऐसे? मेरे को तो अभी से गर्मी लगनी स्टार्ट होगी। तो भाई मेरा किचन हो गया बिल्कुल नीट एंड क्लीन, नो मैशी किचन। और मैंने अभी रोटियां बना दी, देखो आपको दिखाती हूँ। अभी पहले प्लेट ले लेती हूँ खाने के लिए, और बाहर देख के आते हैं थोड़ा सा मौसम कैसा हो रहा है। शायद आज बारिश का मौसम हो रहा है कह रहे हैं, तो आई विल पहले देखती हूँ मैं क्या हो रखा है नहीं हो रखा, कन्फर्म करती हूँ। थोड़ा थोड़ा लग रहा है, देखो आप भी बताना देख के लग रहा है मौसम। मेरे को तो लग रहा है भाई थोड़ा थोड़ा बारिश का है ना, आएगी शायद, आई थिंक बारिश आज तो लग रहा है। भाई बाहर का मौसम वैसे काफ़ी काफ़ी प्रीटी है, देखो मेरे को बहुत। देखो मोर बोल रहे हैं, ये नहीं पता कहाँ बोल रहे हैं, पर मोर बोल रहा था। भाई आते हैं भाई इधर पिको, चलते हैं अंदर। अंदर भाई मेरी प्लेट रखी है खाने के वेट में, और बर्तन साफ हो गए, सारा काम भाई मेरा हो गया है। अभी 8 ही बजे हैं और सारा काम मैंने फटाफट से कर दिया। तो भाई ये मैंने जमाई थी रात को दही, तो भाई किसी की दही अच्छी नहीं जमती, तो मेरे से सलाह ले लेना। और देखो भाई ये पानी है ना बाद में आ जाता है, मैंने नोटिस किया है ये बाद में आता है। तो भाई ये हमारी लस्सी है, थोड़ी सी लस्सी अभी, तो भाई मैं दही सोच रही हूँ लेने की। और भाई आज हमने बनाई हुई है सब्जी, आज ये चटनी बची हुई है, इसके साथ ही रोटी खाएंगे। और तो भाई देखते हैं, अभी रोटियां रखती हूँ, पहले देखना क्या आप खा लेते हैं। पहले मैंने अपनी वैसे रोटी में मक्खन लगा लिया, बट भाई मेरे को ये दिख गया डब्बा, तो इस डब्बे में मैंने डाल दी एक रोटी, क्योंकि भाई इसमें ना थोड़ा घी बचा हुआ है साइड साइडों में, और मैं घर से लाई थी डब्बे में। तो भाई पहले इस घी को निपटारा करते हैं, पहले इसको ही सारा रोल करके रोटी के ऊपर देखती हूँ आज चला जाएगा क्या। चला तो गया भाई हाथ, अब बंद करके ऐसे करके सारा ले आती हूँ बाहर निकाल कर, जिससे कि हमारा घी वेस्ट नहीं होगा। कर ली दही रेडी, जीरे का डाल के पाउडर और नमक का। भाई ये निकला मेरे उसमें से ऐसा ही सूखा सूखा सा। पिंग सारे आए 40 माया चाची जी, या के का कर रही ना मिर्च। हां आई हूं 40 की आई है भैया। हां 100-500 तो आसान से 50 की किलो भैया 40 की। आहो और महंगी हो गई है बे, गरीब के महंगी हो गई ये ना, के का गरीब के भाव ही फेरी है मन नहीं रे। ये तो आसूसी के दिखाऊं भाई, मेरी चाची जी ले आई है जूते नए नए। जूते ले आई है, वहाँ छोरी पर देख थी एकदम कौन से वहाँ थोड़ा ना वहाँ तो दूसरे दिखाए देखे थे मना वहाँ भी है जूता वो ही ना सही है। फिर घना का कलर नहीं लाए आप ना? सही है सही है, मैं ले जल्दी हो जाए और तक हो जाए। ये चप्पल सही है ना? सही है बढ़िया लागे। बीस का यो ने पीछे तो उसे आला लेना था, चल कोई नहीं एक डंडी आला है इसमें अपना पीछे। काम करीब ले कोई तो ना यो उसका चक्कू है वैक्स है, वैक्स चक्कू ना सही है। थैंक यू धन्यवाद जी ये तो आता ना होगा जो करिया जाए तो चाहिए। हाँ, आता नहीं इस तरह सार एक सरा लाग लाग तो इस तरह नू कहे पीछे वाली चीज का है जो या गर्म हो जाए है
जो कर वो डंडा हो ना प्लास्टिक का चक्कू की तरह हुआ वो यही देखे मना तेरी मम्मी भी यही लिए देखे वेरा मैंने ले हुए हैं इसमें लकड़ी डूस लिए वो तो कोई दिक्कत को नहीं वेरा मैंने ले हुए हैं ये आवा है मैंने पूछो दिए जो कर तू बता हुआ ठीक है चप्पल किसी दिखाई हूँ चप्पल क्या की थी ये चप्पल ये 150 की दी होगी भाई इतने की तो 150 की आ रही है ना सही है बढ़िया ठीक है और क्या देने मना तेरे हरी ने थोड़ी साफ कर दी है बेकेल केल शानी की बात ना है देख क्यों कर जाले लाके पड़े पैर होती को ना नहीं ना पकड़ मार नहीं मैं करूंगी पकड़ी नहीं तू मरते रह रहे थोड़ी जब भीड़ में इतना टाइम कौन ही मर दो जितना सोच रही है गिले तो कर दिया होगा ना साइड सोइड से तू चुप रहो दो टाइम बताओ कितना टाइम हो गया होगा 5:30 देख के बताऊं करेक्टर को चाहे 10 का करेक्ट हो गया भाई मेरा तेवर ऊपर बैठ कर सही सही आराम करने लग रहा है सो जा शुभ मम्मी आ रही सो जा कर दी सही साफ रुक जा कह रहे का के छोड़े ने तगाजे तगाजे लग रहा रुक जा छोरे इनका दिमाग न ले रहा गेर मत दिए रे मार तो घड़ी भी नहीं और हराम तो देख ले टंगी है नहीं टंगी इसकी कमर है सही टंगे हो सही टंगे हो ताई सही है सही टंगे हैं ओयो टंगे हो माय माँ मारी घड़ी ने तोड़ मत दी नीचे पड़ के ब्लास्ट एकदम तो आ गई हूँ कपड़े चेंज करके और ये टी शर्ट मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि इसका स्टफ बहुत अच्छा है बिल्कुल ऐसे मतलब बढ़िया वाला तो भाई अब करेंगे काम फटाफट से और पहले कर लेते भाई फटाफट से बर्तन जचाएंगे फिर उसके बाद बर्तन साफ करेंगे वो आपको देखने को मिलेगा लाइव में और फिर बनाते हैं दाल रोटी बनाएंगे शायद आज और कुछ नहीं बना रहे क्योंकि दाल चावल सोच रहे थे बट आज कह रहे गैस से तो इसलिए दाल चावल नहीं बनेंगे दाल बनेगी ओनली तो भाई दाल के लिए पहले बर्तन जचाते बर्तन साफ करते हैं उसके बाद बनाएंगे दाल और मेरी टी शर्ट बताना भाई आपको कैसी लगी मेरी दाल यूज़ करके देखना मूंग मिश्री चने में ब्लैक वाली इसको क्या बोलते हैं मेरे को भी इतना नहीं पता भी बहुत अच्छी बनती है और ये मैंने चौक कर ली है अपनी अब मैं सिंपल चौक लगाऊंगी और बनाते हैं दाल तो गाइस अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं ऐसी अच्छे से वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय।